तिरच सुसमाचार और उसका 7 अध्याय उसके 24 पद से 27 पद तक पढ़ेंगे। यहां 24 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उपदेश दे रहा है और वो उपदेश में इस तरह की बातें बोलता है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा आने वाले समय में, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और जब चट्टान पर बनाया तो मेह बरसा यानी बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि यहां तक कि बाढ़ भी आ गई, और उस समय आंधियां भी चली, और जो चट्टान पर घर बना था उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, उनको ध्यान नहीं देता, वह उस निर्बुद्धि यानी मूर्ख मनुष्य के समान आने वाले दिन में ठहरेगा, जिसने अपना घर यानी अपना नींव बालू पर बनाया, और उसके भी घर के ऊपर बारिश हुई, और इतनी बारिश हुई कि बाढ़ें आई और आंधियां भी चली और उस घर से टकराई और वह घर गिरकर सत्यानाश हो गया। सब जन बोले हालेलुया। देखिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह दो जन के बारे में बातें कर रहा है, और दोनों जन घर को बना रहे हैं, और दो जन की चर्चा है। पहला है वो जो बुद्धिमान है, और एक बुद्धिमान का परिचय उसका हर एक प्रतिफल देता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कुछ भी बनाता है उसकी बुद्धिमानी का परिचय उसका प्रतिफल देता है जो कुछ भी एक व्यक्ति बना रहा है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है उसकी मूर्खता का प्रतिफल और उसकी पहचान उसके कार्य खुद प्रकट कर देते हैं। बोले हालेलुया। देखिए बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य ही प्रकट कर देगा कि वो कितना बुद्धिमान है, और एक मूर्ख व्यक्ति का काम प्रकट करता है कि वो कितना मूर्ख है और कितना समझदार है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? हाथ उठा के बताएं सब जन, जोर से हालेलुया बोले। और प्रभु यीशु मसीह किसी और बात के लिए उदाहरण नहीं देता, परंतु वो उदाहरण देता है उस बात से कि दोनों व्यक्ति अपना घर बना रहे हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति कैसे घर बनाता है? वो बुद्धिमानी से बनाता है, और वो जो घर बनाता है एक बुद्धिमान व्यक्ति, उसका आप जब घर देखेंगे मजबूती से लेकर सुंदरता तक प्रकट करता है कि किसी बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति ने इस घर को बनाया है और इस घर की रखवाली की है। बोले आमीन। लेकिन आप उस व्यक्ति के घर को भी देखेंगे, मूर्ख के घर को, जो कि ना तो मजबूत आपको दिखेगा, ना उसमें सुंदरता दिखेगी, ना उसमें मजबूती दिखेगी, और वो घर देखकर आप समझ पाएंगे कि किसी मूर्ख व्यक्ति ने इस घर को बनाया है। यानी इससे साफ जाहिर होता है कि आप किसी भी व्यक्ति के काम को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका रचना करने वाला, इसका बनाने वाला या फिर इसका स्वामी कितना बुद्धिमान है और कितना मूर्ख है। और इसी भौतिक चीज से संबंध रखते हुए प्रभु ने उदाहरण दिया कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और उसे मानता है। सबसे पहले यदि हम चर्चा करें तो आप सुनते क्या हैं? आपका सुनना आपको निर्धारित करता है कि आप किस तरह बनाए जा रहे हैं, और ध्यान देना है कि आप किसकी सुनते हैं।
जैसे आप गवाही जब सुनते हैं तो बहुत सारे जवान लोग जो नशे में चले जाते हैं या फिर पाप में चले जाते हैं, उनका कहना होता है कि मैं जब अपनी उम्र में आया और मैंने ऐसे लोगों की संगति की जिन्होंने मुझे ये बातें सिखाई, इसका मतलब कि उसने सुना क्या और क्या चीजें ग्रहण की और उसका जीवन किन चीजों में परिवर्तित हो गया, बदल गया, और फिर वही चीजें उसके जीवन में ठहराव लेती है और फिर वो व्यक्ति के पास जब तक सही वचन नहीं पहुंचता तब तक उसी दशा में लगातार जीता रहता है और उसी गलत बात में बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये व्यक्ति मूर्ख ठहरा और मूर्खता की बातों को ग्रहण किया जो उसके जीवन को बर्बाद कर रही है। यानी सुनना भी आपके जीवन के लिए बहुत ही बड़ा आपके जीवन का निर्णय आता है। बोले हालेलुया। अब बहुत सारे लोग सोते हैं वचन के समय, इसका मतलब यह है कि वो अपने जीवन के लिए सतर्क नहीं है, वो अपने जीवन के बारे में नहीं जानते और ना ही परमेश्वर के वचन के बारे में। यदि आप ध्यान से सुने तो आपको कभी भी नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप रात में नहीं बैठे हैं, आप दिन में बैठे हैं, आप रात भर आराम करके आए हैं, आप इस समय परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। आप ये चीजें ना कहें कि मुझे शैतान नींद दे रहा है, शैतान नींद नहीं देता, शैतान नींद गायब कर देता है, कि आप कितनी भी टेबलेट खाओ आपको नींद नहीं आती। हालेलुया। वचन को सुनने के लिए तैयार हो, अपने पड़ोसी को बोले वचन को सुने। यदि आज आप सुनेंगे आप बुद्धिमान व्यक्ति की तरह ठहरेंगे परमेश्वर के राज में। जोर से बोले आमीन। देखिए सुनना आपके जीवन का निर्णय आता है, जो कुछ भी आप सुनते हैं उसी से आप निर्णय लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के माता पिता बहुत अच्छी चीजें सिखा करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी जगह पर पहुंचाते हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि उन्होंने बचपन से अच्छी बातें सीखी हैं। लेकिन आप अपने बच्चे को अपने सामने आप अच्छी बातें सिखाते हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद, रास्ते में जाने के बाद, कहीं और जाने के बाद वो क्या सीखता है, क्या सुनता है? आप क्या सुनते हैं और आप क्या सीखते हैं, आप जो कुछ भी सुनते हैं आप उसी तरह निर्णय अपने जीवन से लेते हैं। जब आप चर्च में रहते हैं आप सुनते हैं कि किस तरह आपको जीवन जीना है, फिर आप निर्णय लेते हैं और वही निर्णय आपको यहां पर गवाही के साथ खड़ा करता है कि आप इतने सालों से नजसा करते थे, आप आजाद हैं। आप इतने सालों से पाप के बंधन में थे, आप आजाद हैं। आप इतने सालों से लड़ाई झगड़े में थे, आप आजाद हैं। ये कब संभव हुआ? जब आपने वचन को ध्यान से सुना। और इसका मतलब यह है कि आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में गिने जाते हैं परमेश्वर के राज्य में। आप उसकी सुन रहे हैं जिसके बोलने से आकाश और पृथ्वी बना। आप उसकी सुन रहे हैं जिसके नाम से आज बीमार चंगे होते हैं। मैं अपनी बातें आपको नहीं दे रहा, मैं अपनी बातें यदि आपको दूं तो 10 दिन तक आप उत्साहित रहेंगे, फिर 11वें दिन आप उसी दशा में चले जाएंगे। एक मनुष्य की ताकत आपको पूरी तरीके से नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर की ताकत आपको पूरी तरीके से बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप अपने शरीर की ताकत से आप नशे छोड़ने की निर्णय लें, आपने आप उसको वाचा बांधे, तो आप 10 दिन तक, 5 दिन तक, जैसे आप गवाही सुनते हैं कि एक व्यक्ति निर्णय ले रहा था कि मैं नशे छोड़ूंगा, या फिर एक जवान निर्णय ले रहा था कि मैं ऐसी वीडियो से दूर रहूंगा, वीडियो देखने से, लेकिन 2-3 दिन तक वो अपनी ताकत के द्वारा रोक पाता था परंतु उसके आगे नहीं। यदि आपकी ताकत से सब कुछ होता तो आज आप सीधे साधे बैठ करके परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमें मालूम है, सबको मालूम है कि मनुष्य कभी भी
जब तक वो अपनी परिस्थिति से टूट न जाए तब तक वो परमेश्वर को नहीं खोजता, न उसे याद करता है, न उसके वचनों को याद करता है। इसीलिए उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि वो एक दिन खोजे कि मैंने अपनी ताकत से जो कुछ भी करना था मैंने किया, अब मुझे कोई बचा सकता है तो बचाए, कोई मुझे छुड़ा सकता है तो छुड़ाए। उस दशा में आप आते हैं और यीशु मसीह आपको आजाद करता है अपनी सामर्थ्य से।